हेलो दोस्तों, प्राइमेक शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा इन्वर्टर सीरीज कंप्रेसर होता है, आखिर वो एसी बोर्ड से चलता है या डीसी बोर्ड से चलता है। अगर वो डीसी बोर्ड से चलता है तो कैसे चलता है, अगर वो एसी बोर्ड से चलता है तो वो कैसे चलता है। आज इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक पीसीबी है जो कि सैमसंग की है, और साथ में हमारे पास सैमसंग का ही हमारे पास कंप्रेसर है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कितने वोल्ट हमारे कंप्रेसर को देता है और किस तरीके से वोल्ट देता है और कैसे ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप छोड़े ना, बिल्कुल आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पूरी से पूरी इन्फॉर्मेशन वोल्ट के बारे में मिलने वाली है दोस्तों। तो आखिर ये हमारे माइंड में, आपके माइंड में, सबके माइंड में यही रहता है कि अगर ये डीसी कंप्रेसर है तो ये एसी वोल्ट से क्यों चलता है, ये डीसी वोल्ट डायरेक्ट बैटरी से क्यों नहीं चलता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक पीसीबी की ज़रूरत होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे हमें पीसीबी की ज़रूरत होती है, चाहे आपका इन्वर्टर सीरीज कोई सा भी कंप्रेसर हो, बिगर पीसीबी के आपका वो कंप्रेसर नहीं चल सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दोस्तों आपको तीन वायरें मिलते हैं, आपको UVW यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे जो है 220 वोल्टेज हमारे अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से इसके लिए ऑपरेट करने के लिए ये पूरा सिस्टम है, ये पूरी पीसीबी है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने वोल्ट पर हमारी ये चलती है और कैसे कैसे ये काम करता है, कितने वोल्ट हमारे आते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो है 220 वोल्टेज इसको मैं दे रहा हूँ, ये देखें आप, मैंने यहाँ से दे दिया है। और यहाँ पर हल्की सी एक बार ब्लिंक की करी है लाइट ने, यहाँ पर टिक से एकदम ब्लिंक होगी। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम रही, मान लीजिए पीसीबी में कोई प्रॉब्लम रही या कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम रही, तो हमारा जो ये लाइट है, ये वाली जो लाइट है आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेड लाइट है, ये हमारी अलग अलग टाइप से बिलिंग करेगी। ये अगर ख़राब है तो ये अलग लाइट अलग तरीके से बिलिंग करती है लाइट, और अगर हमारा कंप्रेसर ख़राब रहता है तो अलग तरीके से बिलिंग करती है हमारी लाइट। हमारा कुछ टाइम करीब यहाँ पे एक या दो या तीन या पाँच जो भी इसका सिस्टम है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कितने बोल्ट हमारे आते हैं और कैसे इसको हम बोल्ट यहाँ पे नापते हैं, यहाँ पे जो कंप्रेसर पे हमारे UVW पे बोल्ट आते हैं वो किस तरीके से हम नापते हैं। और मैं आपको उससे पहले बता दूँ, यहाँ पर जो हमारे बोल्ट रहते हैं वो अलग टाइप से रहते हैं, कभी AC होते हैं, कभी DC होते हैं, पल्स टाइप से हमारे चलते हैं, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमारे यहाँ पर चलते हैं ये वाला कंप्रेसर। यहाँ पर नॉर्मली एक से वोल्टेज हमारे नहीं रहते हैं, लेकिन मैं यहां से इस मीटर की मदद से आपको बताऊंगा कि कितने वोल्ट हमारे आते हैं। तो यहां पे हमारा कंप्रेसर कुछ ही टाइम में हमारा स्टार्ट होने वाला है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं कि ये जो कंप्रेसर जब स्टार्ट हो जाएगा तब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यहां पे फ्रेंड आप देख रहे हैं, यहां पे हमारी लाइट जो है ग्लो हो चुकी है, और ये हमारी रेगुलरली हमारी ग्लो रहेगी अगर हमारा कंप्रेसर चलता रहेगा। तो यहां आप देखें, हमारा जो कंप्रेसर वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से यहाँ पे हम बोल्ट नापेंगे। यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले आप इसको एसी बोल्ट पे लगाएंगे, एसी बोल्ट हम यहाँ पे नापने जा रहे हैं। और साथ में दोस्तों जो दूसरी पिन है, ये आप देख रहे हैं मीटर की जो दोनों पिन हैं, एक पिन जो है मैंने यहाँ से सीधी यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल और फेस आ रहे हैं, ये हमारे न्यूट्रल और फेस है, ये वाली जो लाइन है आप यहाँ पर देख रहे हैं, न्यूट्रल और फेस ये हमारे दोनों आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्लू वाली और हमारी, ये आप देखें ब्लू वाली और ब्लैक वाली, आप कोई सी पे भी एक पे इसको आप वायर लगा लीजिए इस तरीके से, मीटर की जो पिन है इस पर लगा लीजिएगा। और आप जो है दूसरी जो पिन है आपको कंप्रेसर के आप जो है टर्मिनल पे यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पे देखेंगे आप 146 मतलब 146 यहाँ पे हमें वोल्ट नज़र आ रहे हैं। मैं दूसरी पे कनेक्ट करता हूँ, ये देखें आप, मैं दूसरी पे करता हूँ तो यहाँ पर भी वही वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं ऊपर वाली पे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी वोल्ट हमारे आपको नज़र आ रहे होंगे सेम सेम। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको डीसी दिखाता हूँ, आपको ये डीसी पे चलता है या नहीं चलता है, ये मेरे डीसी वोल्ट मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। उसके बाद जो है मैं इस पे यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्ट कुछ अलग तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें आप, ये दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसे कभी एसी कभी डीसी, कभी एसी कभी डीसी, इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है, मैग्नेट बनती है तो ये कंप्रेसर हमारा चलता है। ये आप देखें इस तरीके से बोल्ट आपको नज़र आएंगे, ये देखें आप, दूसरे पे लगाता हूँ मैं, तीनों पे कंटिन्यूटी यही रहेगी आपकी, इस तरीके से ये काम करता है। ये आप देखें, कभी कोई कभी कुछ कभी कुछ, इस टाइप से आपको बोल्ट नज़र आएंगे, मतलब एसी कभी डीसी कभी एसी कभी डीसी, ये इस तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है। तीनों पे हमारे सेम सेम रहेंगे दोस्तों, इस पे भी वही रहेंगे और इस पे भी आपके वही रहेंगे, मतलब तीनों पे हमारी कंटिन्यूटी जो है सेम सेम सी रहेगी। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं डीसी एसी, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अब मैं यहाँ पे एसी पे आपको दिखाता हूँ,
यहाँ फैन मैंने इसको एसी पे कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एसी पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो पिन है मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ आप देखें तो यहाँ पे 149 मतलब 449 यहाँ पे आ रहे हैं, और सब सब में यहाँ पे तीनों पे UVW पे तीनों पे हमारे बोल्ट जो है बिल्कुल बराबर बराबर रहेंगे आप देखेंगे। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर हमारे बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से आप इसको DC भी नहीं कह सकते, AC भी नहीं कह सकते, मतलब ये AC और DC दोनों पे यहाँ पे कनेक्ट होकर पल्स के हिसाब से हमारे फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमारे ये चलता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे 150 के करीब यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंप्रेशन में जो सिंगल डोर हमारे कंप्रेशर होते हैं उसमें करीब 100-110 वोल्ट यहाँ पे हमारे रहते हैं AC में। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर लोड देता हूँ मतलब यहाँ से मैं इसका जो प्रेशर है हवा वाला इस पर अगर मैं दबाव डालता हूँ, यहाँ पे इसके एम्पियर बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे लोड बढ़ेगा तो इसके एम्पियर बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे ही एम्पियर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोल्ट पे आप नज़र डालें, यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे बोल्ट जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ने स्टार्ट हो गए। देखिए आप यहाँ पे बोल्ट जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जितने यहाँ पे लोड डलेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारे बोल्ट बढ़ते जाएंगे और हमारा जो कंप्रेसर है वो स्पीड हमारी तेज होती जाएगी। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम करता है और यहाँ पे टोटली यहाँ पे इसी तरीके से हमारा ये वर्क होता है दोस्तों। और दोस्तों कभी भी आपके पास कभी DC सीरीज कंप्रेसर आता है तो आप इसका ज़रूर नोट कर लें कि उसमें बोल्ट हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे इसमें हमारे डबल डोर की PCB है तो इसके बोल्ट हो सकते हैं बड़े हों, और किसी में आपका अगर सिंगल डोर है तो उसमें बोल्ट आपके थोड़े से डाउन हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो आपके 150 के करीब आ रहे थे तो वो 110 भी हो सकते हैं। मैंने चेक किया है मैंने सिंगल डोर में तो वो वहाँ पे 110 भी बोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 150 आ रहे हैं, तो आपके अलग अलग टाइप से अलग अलग बोल्ट हो सकते हैं दोस्तों। ओके बाय।